चेतावनी भी जारी की जा चुकी है। चीन की 60% से अधिक यानी दुनिया की 10% आबादी अगले 90 दिनों में कोरोना महामारी की चपेट में आने वाली है। पूरे चीन में इस वक्त कोरोना की ऐसी दहशत फैली हुई है कि लोग अपने अपने घरों में कैद हो गए हैं और तब तक बाहर नहीं निकल रहे हैं जब तक कि उन्हें बाहर जाने की बहुत ज्यादा जरूरत ना पड़े। चीन के एक बाजार की जरा ये तस्वीर देखिए। जिनपिंग सरकार के इंतजामों से लोगों का भरोसा उठ गया तो लोग खुद ही अपने बचाव अपने अपने तरीके से करने लगे हैं। बाजार में एक शख्स पॉलिथीन के प्रोटेक्शन कवर में अपने साथ एक महिला को लेकर शॉपिंग करने निकला है। इस बीच एक अमेरिकी साइंटिस्ट और महामारी विशेषज्ञ की चेतावनी से चीन में हड़कंप मचा हुआ है। एरिक पेगल डिंग नाम के महामारी विशेषज्ञ ने कोरोना पर बड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अगले 90 दिनों में चीन की करीब 60% आबादी और दुनिया के 10% लोग कोरोना से संक्रमित होंगे। इस दौरान कोरोना वायरस करीब 10 लाख लोगों की जिंदगी खत्म कर देगा। चीन में अचानक कोरोना वायरस के डेडली अटैक के पीछे जिनपिंग के उस फैसले को जिम्मेदार बताया जा रहा है जिसमें जिनपिंग ने कोरोना के खतरे को भांपने में भूल कर दी और चीन में लॉकडाउन में ढील दे दी। चीन में जैसे ही जीरो कोविड पॉलिसी खत्म हुई वैसे ही वहां कोरोना के मामले तेजी से बढ़ने शुरू हो गए। चीन में कोरोना की वजह से हो रही बेहिसाब मौतों के लिए एरिक पेगल डिंग ने सीधे तौर पर शी जिनपिंग को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी CCP यानी सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार ने लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया है। सरकार की नई पॉलिसी है कि जिसे संक्रमित होना है हो जाए, जिसकी मृत्यु हो रही है उसे मरने दिया जाए, जल्दी संक्रमित। चीन में कोरोना से होने वाली मौतों के बारे में हाल ही में एक रिपोर्ट जारी हुई है। अमेरिका के इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मेट्रिक्स एंड इवोल्यूशन ने अनुमान लगाया है 2023 तक चीन में कोरोना के कारण 10 लाख से ज्यादा लोगों की मौत होगी। यह अनुमान जिनपिंग की नई कोविड पॉलिसी को लेकर लगाया गया है। रिपोर्ट की माने तो चीन में अप्रैल की शुरुआत में कोरोना संक्रमण अपने पीक पर होगा। उस समय तक मौतों की संख्या 3.5 लाख तक पहुंच सकती है। IHMI के डायरेक्टर क्रिस्टोफर मुर्रे के मुताबिक अप्रैल तक चीन की एक तिहाई आबादी कोरोना की चपेट में आ चुकी होगी और इस भयावह हालात के लिए जिम्मेदार होंगे शी जिनपिंग। अब आपको बताते हैं कि दुनिया के वो कौन कौन से देश हैं जहां अचानक कोरोना के मामलों में इजाफा हो चुका है, जिसको देखते हुए भारत सरकार भी अलर्ट मोड में आ गई है। सबसे ज्यादा केसेस चीन के सामने आ रहे हैं। बिल्कुल, तो हम आपको बता रहे हैं कि ऐसे कौन कौन से देश हैं चीन से जो सबसे ज्यादा केस सामने आ रहे हैं, जो पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी है, और ऐसे में अब भारत सरकार भी अलर्ट मोड पर है। रीमा, बिल्कुल, और जापान उसके बाद स्थिति वहां भी भयावह हो चुकी है। साउथ कोरिया वो जसप्रीत जगह है जहां पे स्थिति बेहद खराब होने जा रही है। बिल्कुल, साउथ कोरिया के अलावा अगर हम बात करें ब्राजील, तो यहां पर भी केसेस काफी ज्यादा सामने आ रहे हैं। इसके अलावा अमेरिका, यहां पर भी डर बना हुआ है, जिसको लेकर के अब आज सुबह 11:30 बजे स्वास्थ्य मंत्री मीटिंग करने वाले हैं। रीमा, अमेरिका के खतरे को देखते हुए हम भारत में ऐसी अब व्यवस्था की जा रही है या गाइडलाइंस इस तरीके से फॉलो किया जा रहा है कि यहां कोई खतरा ना। बिल्कुल, तो चीन में कोरोना के केस बेकाबू हो चुके हैं, वहां पर हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि अस्पताल से शमशान तक लंबी लंबी लाइनें, लोग बेमौत मरते दिखाई दे रहे हैं, चारों ओर खौफ और दहशत का मंजर दिखाई दे रहा है। चीन में इस बार कोरोना का संक्रमण इतनी तेजी से फैला कि हेल्थ डिपार्टमेंट की सारी व्यवस्था ध्वस्त हो गई। बीजिंग के चुइंगलियू हॉस्पिटल की तस्वीर देखिए, मरीजों की लंबी लंबी लाइनें लगी है। हालात ऐसे बन चुके हैं कि एक ही कमरे में कोरोना वायरस से मरे लोगों की बॉडी को रखा गया है और उसी कमरे में इलाज के लिए मरीज भी इंतजार करते दिखे, यानी मौत के मंजर के बीच मरीजों का इलाज। चीन में कोरोना विस्फोट की तस्दीक ये वीडियो भी कर रहा है। चीन के शहर हिनान प्रांत के एक शमशान घाट के बाहर शव ढोने वाली गाड़ियों की कतार देखी गई। हालात ऐसे बन चुके हैं कि शवों की अंतिम संस्कार के लिए 3 दिन का इंतजार करना पड़ रहा है। वहीं बीजिंग के सबसे बड़े बाबा ओशिन फ्यूनरल हाउस की तस्वीरें देख लीजिए, यहाँ फ्यूनरल के लिए 20 दिनों की वेटिंग चल रही है।
कम से कम 2000 शव फ्यूनरल के बाद किसी नए शव का नंबर लग रहा है। अपनों के फ्यूनरल के इंतजार में लोग फ्यूनरल हाउस के बाहर गाड़ियों में इंतजार कर रहे हैं। बीजिंग के डोंगजियाओ शमशान घाट में काम करने वाले लोगों के हवाले से दावा किया गया है कि देश में पिछले कुछ दिनों में दाह संस्कार में बढ़ोतरी हो गई है। अस्पताल में मरीजों की तादाद इतनी ज्यादा है कि फिजिकल डिस्टेंस भूलकर डॉक्टरों ने एक के पास एक मरीज को लिटाया हुआ है। बेड से लेकर फर्श तक कहीं भी खड़े होने तक की जगह नहीं है। अब जरा चीन के एक दूसरे अस्पताल की तस्वीर देखिए। यहाँ इलाज करवाने आया मरीज तेज बुखार की वजह से बेहोश होकर फर्श पर गिर पड़ा, लेकिन वहाँ खड़े लोगों में से ना कोई उसकी मदद के लिए आया, ना ही अस्पताल का कोई कर्मचारी उसे रेस्क्यू करने आया। चीन में कोरोना की दहशत ऐसी है कि लोग घरों में कैद हैं और जो निकल भी रहे हैं वो खुद को प्रोटेक्शन कवर के साथ निकलते दिखे। चीन के एक शहर से खौफ की एक और तस्वीर आई जिसमें एक हताश परिवार अपने मासूम के इलाज के लिए तड़पता दिखा। एक माँ 42 दिन के जुड़वा बच्चों का इलाज नहीं करवा पा रही है। दोनों बच्चे संक्रमित हैं, उन्हें बुखार है लेकिन बुखार की भी दवा नहीं मिल रही। बुखार कम करने के लिए माँ जतन करती दिखी, यानी ना तो दवा है ना ही अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस। चीन में कोरोना के बढ़ते केस के बाद चारों तरफ हाहाकार मच गया है। सबसे ज्यादा परेशानी दवाओं को लेकर हो रही है। चीन में कोरोना के केस बढ़ने के बाद दवाओं की किल्लत हो गई है। हालात तो ऐसे बन चुके हैं कि लोगों को सर्दी और फ्लू की दवाएं तक नहीं मिल पा रही है। चीन में लोग इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए नींबू का सहारा ले रहे हैं, जिसके बाद नींबू की मांग बढ़ चुकी है। इस वक्त बीते एक हफ्ते में नींबू की कीमतें दोगुनी से भी ज्यादा हो चुकी है। इस बीच कोविड नियमों में ढील देने के बाद कोरोना संक्रमितों को भी काम करने की छूट मिल चुकी है। बड़ी खबर चीन से इस वक्त मिल रही है, जहां कोरोना के बढ़ते केसेस से हालात बदतर होते जा रहे हैं। 80 करोड़ लोगों पर कोरोना का खतरा मंडरा रहा है। राजधानी बीजिंग में वायरस तेजी से फैल रहा है और बताया तो ये जा रहा है कि जीरो कोविड पॉलिसी में ढील के बाद ही चीन में स्थिति इतनी खराब हुई है। एक्सपर्ट्स का दावा यह है कि अगले 90 दिनों में चीन की 60% से ज्यादा आबादी के संक्रमित होने की आशंका बनी हुई है। चीन में बढ़ते कोरोना मामलों की वजह से विश्व बैंक ने 2022 में चीन के विकास दर को घटाकर 2.7% कर दिया है। तो 5 तस्वीरें आपके सामने हैं कोरोना का कहर, और ये तस्वीरें बयां कर रही है कि इस वक्त चीन में हालात क्या है। लोग अपनी आंखों के सामने अपनों को दम तोड़ते हुए देख रहे हैं। लोग बेबस है, जहां जाओ वहां पर लंबी लंबी लाइनें हैं। चाहे फिर अस्पताल के बाहर बात करें, दवाइयों की दुकानों के बाहर बात करें, या फिर शमशान घाट के बाहर। ये 5 तस्वीरों के जरिए चीन की परेशानी बयां हो रही है। चीन में कोरोना से कोहराम मचा हुआ है। चीन के कई शहरों में इस वक्त हालात काफी ज्यादा खराब हो चुके हैं। तो खुद को ताकतवर कहने वाला चीन इस वक्त कोरोना से इस कदर घिर चुका है कि वो अपने देश में लोगों को सिरदर्द, बदन दर्द और बुखार की दवाई तक मुहैया नहीं करा पा रहा। दवाई नहीं मिल रही है तो लोग इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए नींबू का सहारा लेने लगे हैं, जिसके बाद पिछले एक हफ्ते में नींबू के दाम 2 से 3 गुना तक बढ़ गए। इसके अलावा नींबू की खपत में भी कई गुना बढ़ोतरी हुई है। वहीं बीजिंग और शंघाई जैसे शहरों में नींबू की किल्लत हो गई। सबसे ज्यादा मांग इन्हीं शहरों में हो रही है, क्योंकि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए विटामिन सी के तौर पर नींबू का इस्तेमाल लोग खूब कर रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि बीजिंग और शंघाई में पिछले सप्ताह नींबू की जो खपत 5 से 6 टन प्रतिदिन थी, वो बढ़कर 20 से 30 टन तक पहुँच गई है। इसके अलावा विटामिन सी देने वाले अन्य फलों की डिमांड भी बढ़ी है। नींबू के दाम जो अब तक 2 या 3 युआन प्रति हाफ किलो थे, वो अब बढ़कर 6 युआन प्रति हाफ किलो तक पहुंच गए हैं। लोग इनका इस्तेमाल अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने में कर रहे हैं, ताकि महामारी से मुकाबला किया जा सके। इसके अलावा चीन में कोल्ड और फ्लू की दवाएं भी कम पड़ रही है। हालात इतने खराब हैं कि मेडिकल की दुकानों पर लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। लोगों को दवाएं नहीं मिल रही हैं। बुखार और बदन दर्द की भी गोली लोगों को मैसर नहीं हो पा रही है। हालात ऐसे बन चुके हैं कि चीन में बुखार की टेबलेट का कोटा फिक्स करना पड़ा। एक व्यक्ति दवा दुकान में एक निश्चित सीमा से ज्यादा बुखार और बदन दर्द की गोली नहीं ले सकता। चीन में कोरोना के केस रॉकेट की रफ्तार से बढ़ रहे हैं। ओमिक्रोन का सब वेरिएंट तबाही मचा रहा है। दुनिया की नामी वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में चीन की 60% आबादी कोरोना की चपेट में आने वाली है। यानी ये आंकड़ा बेहद डरावना है और चीन में अभी से ही इसके लक्षण दिखने लगे हैं। बड़ी संख्या में लोग सिर दर्द, बदन दर्द और बुखार की चपेट में आ रहे हैं। इन हालत में बदन दर्द और बुखार की गोली बड़े ही काम की चीज है, लेकिन चीन के लोग उससे भी महरूम हैं। चीन में कोरोना से जुड़ी सख्त बंदिशों में ढील देने के बाद सार्वजनिक जगहों पर लोगों की बड़ी भीड़ भी केस बढ़ने की बड़ी वजह है, जिसके बाद दवाइयों का अकाल पड़ गया।
दवा की दुकानों पर लंबी लंबी कतारें खड़ी हो गई, तो कई जगहों पर लोग दर दर भटकने के लिए मजबूर हो गए। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का लीडर बनने का दावा करने वाला चीन कोरोना से इस कदर घिर चुका है कि वो अब दवा उपलब्ध नहीं कर पा रहा है। इस बीच चीन की आधिकारिक मीडिया ने दावा किया कि जल्द ही बुखार की दवाओं की सप्लाई करवाई जाएगी। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पुनावाला ने ट्वीट किया है। उन्होंने चीन में बढ़ते कोरोना केस को लेकर चिंता जाहिर की है। अदार पुनावाला ने आगे लिखा है कि बेहतरीन टीकाकरण और ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए हमें घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हमें भारत सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देशों का पालन करना जारी रखना चाहिए। तो कोविड पर अदार पुनावाला का वो ट्वीट जिसमें उनका सीधे सीधे कहना है, हमें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, लोग सिर्फ और सिर्फ प्रोटोकॉल्स जो हैं, जो सरकार की गाइडलाइंस है, कोरोना के नियम से तो अब हम सब वाकिफ हो चुके हैं बीते 2-2.5 साल से, क्योंकि हर दिन हमने कोरोना के साथ जीना सीखा। तो ऐसे वक्त में बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। हम कोरोना के उन तमाम रूल्स को फॉलो करें जिसमें मास्क लगाना, सैनिटाइज करना, अपने आप को, हमारा इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखना। बिल्कुल, तो अदार पूनावाला का ट्वीट हम आपको बता रहे हैं, चीन के हालात ने चिंता बढ़ाई है, हमें घबराने की जरूरत नहीं है, ये लिखा है अदार पूनावाला ने। आगे वो लिखते हैं, हमारा टीकाकरण अभियान बेहतर है और सभी लोग गाइडलाइंस का पालन करें, क्योंकि जिस तरीके से चीन में कोरोना का विस्फोट हुआ है, इसको लेकर के डरने की कम से कम भारत में तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं। तो चीन में कोरोना के महाविस्फोट की डराने वाली खबर के बीच ये जानना भी जरूरी है कि भारत में कोरोना के खिलाफ चलाया जा रहा टीकाकरण अभियान कहां तक पहुंचा है। और ये इस वक्त हम आपको बताते हैं, भारत में अब तक कुल 2 अरब 20 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन डोज लगाई जा चुकी है, जिसमें 100 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन का पहला डोज लग चुका है, और इनमें से 95 करोड़ से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिन्हें वैक्सीन का दोनों डोज भी लग चुका है। वहीं 22 करोड़ से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिन्हें बूस्टर डोज भी लग चुका है। चीन में तेजी से बढ़ रहे कोरोना केसेस को लेकर स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने अशोक गहलोत और राहुल गांधी को एक चिट्ठी लिखी है। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने को इस चिट्ठी में कहा गया है। प्रोटोकॉल का पालन ना होने पर भारत जोड़ो यात्रा स्थगित करने का अनुरोध भी किया गया है। तो ये चिट्ठी लिखी गई है, स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से चिट्ठी लिखी गई है, और राहुल गांधी, इसके अलावा राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से ये अनुरोध किया गया है कि देश हित में, राष्ट्र हित में वो यात्रा को स्थगित कर दे। और ये पॉइंट्स है वो भी हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से चीन में कोरोना विस्फोट हुआ है, अमेरिका की बात करें हम, जापान की बात करें, उसके बाद भारत सरकार अलर्ट मोड पर है, और ये चिट्ठी भी बताने के लिए काफी है कि भारत सरकार एहतियाती कदम उठा रही है। मनसुख मांडविया जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा को लेकर, जिसमें सैकड़ों की तादाद में लोग होते हैं और उसमें अभी तक तो कोविड का कोई नियम पालन नहीं किया जाता था क्योंकि भारत में स्थिति ठीक थी, लेकिन चीन के हालात को देखकर हम अलर्ट हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने बकायदा एक लेटर लिखा है और लेटर के जरिए ये कहा है कि प्लीज आप ये प्रोटोकॉल्स का पालन करें। और इसके अलावा अधीर रंजन चौधरी की बातें सुनिए। आप भारत जोड़ो यात्रा के आसार खुद दिख रहे हो मंडविया के, मैं पूछना चाहता हूं कि राहुल गांधी की पदयात्रा शायद आपको अच्छा नहीं होगी लगते होंगे, लेकिन सारे हिंदुस्तान के लोग इसमें दिलचस्पी दिखा रहे हैं, शामिल हो रहे हैं। बड़ी खबर कोरोना को लेकर है, दुनिया भर में कोरोना की नई लहर दस्तक दे रही है। अमेरिका और चीन में कोरोना केसेस में अचानक से बढ़ोतरी से भारत सरकार अलर्ट है। इसको लेकर स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया एक्सपर्ट्स के साथ सुबह 11:30 बजे बैठक करेंगे। अमेरिका, जापान, साउथ कोरिया, ब्राजील और चीन में अचानक कोरोना के बढ़े केस से चिंतित केंद्र सरकार ने राज्यों को चिट्ठी लिखी है। पॉजिटिव मामलों के जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए कहा गया है। कोविड की स्थिति की समीक्षा की जानी है और इसको लेकर भारत सरकार अलर्ट है। 11:08 हो चुका है, अब से महज कुछ ही मिनट्स में एक बड़ी बैठक जिसमें स्वास्थ्य मंत्री की मौजूदगी होगी, और उस बैठक के जरिए ये तय होगा कि भारत में मौजूदा वक्त में क्या क्या गाइडलाइंस फॉलो करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, ये बैठक इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि तमाम देशों का हम जिक्र करें, चाहे चीन का जिक्र करें, अमेरिका का जिक्र करें, जापान का जिक्र करें, वहां पर जो कोरोना विस्फोट है, उसके बाद जो बाहर से विदेशी यात्री भारत आ रहे हैं उनको क्या क्या नियमों का पालन करना है, या फिर कोई भारतीय अगर वतन वापसी कर रहा है तो उसको लेकर की गाइडलाइंस आ सकती है, तमाम बिंदुओं पर आज सुबह 11:30 बजे चर्चा होगी।
की स्थिति क्या है, इसका इस मीटिंग में सर एक रिव्यू लेने वाले हैं और ज़रूर पिछले साल भर में हमने देखा कि अलर्ट मोड पे मंत्रालय विभाग वैक्सीनेशन में जुटा रहा और आज अगर 220 करोड़ से हम पार कर रहे हैं वैक्सीनेशन, तो स्थिति हमारी अच्छी रही, भारत ने एक अच्छा सक्सेस ड्राइव चलाया। चीन में कोरोना की महामारी सुनामी लेकर लौटी है। चीन में कोरोना संक्रमण के हालात साल 2020 की खौफनाक यादें दिला रहे हैं। स्थिति इतनी खराब हो रही है कि वहां अस्पताल के सभी बेड भरे हुए हैं। चीन में मरीजों को इलाज नहीं मिल रहा है, अस्पतालों में बेड भी नहीं है, इस वक्त दवाओं की भी कमी है, अस्पतालों के बाहर लंबी लंबी लाइनें हैं, लोग कार के अंदर भी इलाज कराने को मजबूर हो चुके हैं। ये तीन तस्वीरें चीख चीख कर यही बातें बयां भी कर रही हैं। बिल्कुल, और ये जो तीन तस्वीरें हैं वो इस वक्त चीन की कहानी को बयां कर रही है, दुनिया को परेशान भी कर रही है, साथ ही तमाम देशों के लिए खतरे की घंटी भी है। 2020 में ठीक ऐसी ही तस्वीरें यहां से निकलकर सामने आई थी और 2020 की यादें भी ताजा हो चुकी हैं इन तस्वीरों को देखकर, लेकिन ये खौफनाक यादें ताजा हुई है, ये अच्छी यादें नहीं है। चीन में एक बार फिर से हालात बेकाबू हो चुके हैं, ये तस्वीरें देखकर आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पर चीन में हालात ये है कि 10 लाख मौतों का खतरा बना हुआ है, लोग अपने सामने अपनों को दम तोड़ते हुए दिख रहे हैं और हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि वहां पर शमशान घाट में भी जगह नहीं मिल रही है। चीन में कोरोना का महाविस्फोट उस वक्त हुआ जब दुनिया ये मानकर चल रही थी कि वायरस का खतरा कम हो चुका है, टल चुका है। जीरो कोविड नीति के बावजूद चीन में कोरोना के चलते हालात बेकाबू हो गए, अस्पताल मरीजों से भरे हुए हैं, शमशान में भी जगह कम पड़ रही है। हालात ये हैं कि अंतिम संस्कार के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। चीन में कोरोना का महाविस्फोट, डेडली वायरस ने मचाया तांडव। चीन में कोरोना की बेकाबू रफ्तार, हर 2 घंटे में 2 गुना प्रहार, अस्पतालों में लगा लाशों का अंबार, शमशानों में मची चीत्कार। चीन में जन्मे कोरोना का ये अब तक का सबसे विकराल रूप है। चीन पर कोरोना का ये अब तक का सबसे प्रचंड आघात है और चीनी नागरिकों की जिंदगी के लिए ये सबसे मुश्किल वक्त है। इस बार चीन में कोरोना 3.0 का ऐसा अटैक हुआ है कि उसका सामना जिनपिंग सरकार चाहकर भी नहीं कर पा रही। अस्पतालों में बेड खत्म हो गए हैं, दवाखानों में दवाइयां खत्म हो गई हैं और जिन्हें वक्त पर इलाज नहीं मिल रहा उनकी जिंदगी खत्म हो रही है। चीन में अचानक कोरोना का ऐसा डेडली अटैक कैसे हो गया? कोविड को लेकर चीन की सारी तैयारी नाकाफी कैसे हो गई? और जिस वायरस को कोरोना महामारी की शुरुआती 2 लहरों में चीन ने काबू करा था, वो इस बार चीन में कहर कैसे बरपा रहा है? आपको इन सभी सवालों के जवाब हमारी इस रिपोर्ट में आगे मिलेंगे, लेकिन पहले देख लीजिए कि कैसे चीन में कोरोना 3.0 की मार भारत में आई कोरोना की दूसरी लहर से भी जोरदार है। चीन में इस बार कोरोना का संक्रमण इतनी तेजी से फैला कि हेल्थ डिपार्टमेंट की सारी व्यवस्था चरमरा गई। सबसे पहले चीन के अस्पतालों की तस्वीर देखिए, अस्पताल में मरीजों की तादाद इतनी ज्यादा है कि फिजिकल डिस्टेंस भूलकर डॉक्टरों ने एक के पास एक मरीज को लेटाया हुआ है। बेड से लेकर फर्श तक कहीं भी खड़े होने की जगह नहीं है। अब जरा चीन के दूसरे अस्पताल की तस्वीर देखिए, यहां इलाज कराने आया मरीज तेज बुखार की वजह से बेहोश होकर फर्श पर गिरा पड़ा है, लेकिन वहां खड़े लोगों में से ना कोई उसकी मदद के लिए आया, ना ही अस्पताल का कोई कर्मचारी उसे रेस्क्यू करने आया।
ये चीन के हेनान प्रांत में एक अस्पताल की तस्वीरें हैं जहां लाशों का अंबार लगा हुआ है। चीन के बीजिंग में भी जिंदगी थम सी गई, यहां के अस्पतालों में भी लाशें ही लाशें नजर आ रही हैं। अस्पतालों में कोरोना से मचे हाहाकार की तस्वीरें तो देख ली आपने, अब जरा बीजिंग के सबसे बड़े बाबा ओशन फ्यूनरल हाउस की तस्वीरें देख लीजिए। यहाँ फ्यूनरल के लिए 20 दिनों की वेटिंग चल रही है। कम से कम 2000 लाशें, फ्यूनरल के बाद किसी नई लाश का नंबर लग रहा है। अपनों के फ्यूनरल का इंतजार में लोग फ्यूनरल हाउस के बाहर गाड़ियों में इंतजार कर रहे हैं। पूर्वी चीन में कोरोना के संक्रमण से हालात बहुत बदतर हो चुके हैं। यहाँ के प्रांतों के किसी भी अस्पताल में एक बेड भी खाली नहीं है। सभी अस्पतालों में ओपीडी सेवाएं बंद कर दी गई हैं। लिहाजा प्राइवेट क्लिनिक्स पर बुखार से पीड़ित मरीजों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। अमेरिका की एक रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वायरस से बहुत बड़ी तबाही आने वाली है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन की 60% आबादी पर कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा है, जिसके बाद 10 लाख लोगों की मौत की आशंका बढ़ चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक वैक्सीनेटेड लोगों पर भी बड़ा खतरा मंडरा रहा है। चीन में इस समय हालात ऐसे हैं कि एक मरीज से 18 लोगों को संक्रमण हो रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल में पीक पर होगा कोरोना वायरस। चीन में इस समय ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट का कहर बरपा है। ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट BF.7 बहुत ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि BF.7 का इंक्यूबेशन पीरियड बहुत ही कम है। खुद को ताकतवर कहने वाला चीन इस वक्त कोरोना से इस कदर घिरा हुआ है कि वो अपने देश में लोगों को सिर दर्द, बदन दर्द और बुखार की दवाएं भी मुहैया नहीं करवा पा रहा है। दवाएं नहीं मिल रही है तो लोग इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए नींबू का सहारा लेने लगे हैं। इसके बाद पिछले एक हफ्ते में नींबू के दाम 2 से 3 गुना तक बढ़ गए। इसके अलावा नींबू की खपत में भी कई गुना बढ़ोतरी हुई है। वहीं बीजिंग और शंघाई जैसे शहरों में नींबू की किल्लत हो गई। सबसे ज्यादा मांग इन्हीं शहरों में हो रही है, क्योंकि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए विटामिन सी के तौर पर नींबू का इस्तेमाल लोग खूब कर रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि बीजिंग और शंघाई में पिछले सप्ताह नींबू की जो खपत 5 से 6 टन प्रतिदिन थी, वो बढ़कर 20 से 30 टन तक पहुँच गई है। इसके अलावा विटामिन सी देने वाले अन्य फलों की डिमांड भी बढ़ी है। नींबू के दाम जो अब तक 2 या 3 युआन प्रति हाफ किलो थे, वो अब बढ़कर 6 युआन प्रति हाफ किलो तक पहुंच गए हैं। लोग इनका इस्तेमाल अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने में कर रहे हैं, ताकि महामारी से मुकाबला किया जा सके। इसके अलावा चीन में कोल्ड और फ्लू की दवाएं भी कम पड़ रही है। हालात इतने खराब है कि मेडिकल की दुकानों पर लंबी लंबी लाइनें लगी हैं, लोगों को दवाएं नहीं मिल रही हैं। बुखार और बदन दर्द की भी गोली लोगों को मैसर नहीं हो पा रही है। हालात ऐसे बन चुके हैं कि चीन में बुखार की टेबलेट का कोटा फिक्स करना पड़ा। एक व्यक्ति दवा दुकान में एक निश्चित सीमा से ज्यादा बुखार और बदन दर्द की गोली नहीं ले सकता। चीन में कोरोना के केस रॉकेट की रफ्तार से बढ़ रहे हैं। ओमिक्रॉन का सब वेरियंट तबाही मचा रहा है। दुनिया की नामी वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में चीन की 60% आबादी कोरोना की चपेट में आने वाली है। यानी ये आंकड़ा बेहद डरावना है और चीन में अभी से ही इसके लक्षण दिखने लगे हैं। बड़ी संख्या में लोग सिर दर्द, बदन दर्द और बुखार की चपेट में आ रहे हैं। इन हालत में बदन दर्द और बुखार की गोली बड़े ही काम की चीज है, लेकिन चीन के लोग उससे भी महरूम हैं। चीन में कोरोना से जुड़ी सख्त बंदिशों में ढील देने के बाद सार्वजनिक जगहों पर लोगों की बड़ी भीड़ भी केस बढ़ने की बड़ी वजह है, जिसके बाद दवाइयों का अकाल पड़ गया। दवा की दुकानों पर लंबी लंबी कतारें खड़ी हो गई, तो कई जगहों पर लोग दर दर भटकने के लिए मजबूर हो गए। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का लीडर बनने का दावा करने वाला चीन कोरोना से इस कदर घिर चुका है कि वो अब दवा उपलब्ध नहीं कर पा रहा है। इस बीच चीन की आधिकारिक मीडिया ने दावा किया कि जल्द ही बुखार की दवाओं की सप्लाई करवाई जाएगी। हम अपनी आजीविका चलाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं और बचत छूट के चक्कर में ऐसे लोगों पर भरोसा कर बैठते हैं जो हमारी गाढ़ी कमाई पर हाथ साफ कर देते हैं। हामिद अहमद एक टैक्सी ड्राइवर है जो अपनी बेटी के लिए दिवाली पर उपहार खरीदना चाहते थे, लेकिन एक ऑनलाइन डिस्काउंट सेल के चक्कर में ठगी के शिकार हो गए। गूगल के साथ सुरक्षित रहिए, न्यूज़ 18 नेटवर्क की साझेदारी में। हामिद टैक्सी ड्राइवर है
उन्होंने अपने बच्चों के लिए ऑनलाइन खिलौने खरीदने के वक्त 50,000 रुपए धोखाधड़ी में गवाए। दिवाली की वजह से हमारे पास टाइम तो रहता नहीं है कि हम अपने बच्चे के लिए कोई दिवाली गिफ्ट खरीदे, तो हम ऑनलाइन सर्च करने लगे, तो हमको कुछ चीजें उस पर अच्छी लगी, फिर हम सोचे कि इसको सुबह खरीद लेंगे। दूसरे दिन उन्हें अनजान नंबर से एक कॉल आया और कॉलर ने उनसे कहा कि उन्हें बताई गई साइट से खिलौने ऑर्डर करने चाहिए, तो उन्हें अपने हर ऑर्डर पर काफी बड़ा डिस्काउंट मिलेगा और दिवाली गिफ्ट भी मिलेगा। अब हमको क्या करना होगा इसके लिए, तो उसने बोला कि हम इसमें अपना बैंक डिटेल डाल दें, तो हम अपना बैंक का कुछ डिटेल उसमें डाले हैं। उन्होंने अपने बैंक अकाउंट डिटेल और ATM पिन नंबर गिफ्ट पाने के लिए दे दिए, लेकिन दुर्भाग्य से उनके साथ धोखा हुआ। 2-3 मिनट के बाद हमको एक मैसेज आई रही बैंक से कि हमारे बैंक में से 50,000 रुपए निकल गया। अरे भैया, हमारे पास तो बैंक में 50,000 रुपए ही थे, हम तो और घबरा गए। तो उसके बाद हम साइबर क्राइम पे फोन किए हैं, तो उन्होंने हमको बोला कि आप टेंशन मत लीजिए और हम आपका ये सारा काम हो जाएगा। अनजान लिंक को नजरअंदाज करें और अनाधिकृत QR कोड पर क्लिक ना करके ऑनलाइन सुरक्षित रहें। गूगल के साथ सुरक्षित रहिए, News18 नेटवर्क की साझेदारी में। शादी के लिए धर्मांतरण पर रोक लगाने वाले कानून को मंजूरी देते हुए नोटिफिकेशन जारी कर दी, जिसके मुताबिक जबरन धर्म परिवर्तन कराने पर 10 साल की सजा होगी। इसके अलावा 5,00,000 रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान भी है, जबकि मर्जी से धर्म परिवर्तन करने के लिए DM के पास आवेदन देना होगा। मेरा जो विश्वास है वो यहाँ से बदल गया, मेरा विश्वास दूसरी साइड में, ठीक है वो करें, हमारे यहाँ तो कभी रोक रही भी नहीं इस प्रकार। राज्यपाल की मोहर लगते ही हरियाणा विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन निवारण कानून राज्य में लागू हो गया। इस बीच रूसी मीडिया में अगले साल रूस की नेटो देशों से जंग छिड़ने की चर्चाओं के बीच अमेरिका के एक सांसद ने पुतिन को बड़ी चेतावनी दे दी और दावा किया कि नेटो से भिड़ने पर 3 दिन में रूस का खेल खत्म हो जाएगा। और अमेरिकी सांसद एडम किंजिंगर की यह चेतावनी ऐसे वक्त में आई जब पिछले दिनों रूस के मीडिया ने अगले साल की शुरुआत में रूस की नेटो से सीधी जंग छिड़ने की आशंका जताई थी और इस जंग के लिए रूसी सेना को और भी घातक हथियार बनाने की सलाह दी थी, जिसके बाद सोशल मीडिया पर नेटो की ताकत पर सवाल उठने लगे। और ऐसे ही एक सवाल का जवाब देते हुए अमेरिकी सांसद ने पुतिन को बड़ी चेतावनी दे दी। उन्होंने ये साफ कर दिया कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने नेटो के किसी भी सदस्य देश पर हमला किया तो नेटो के आर्टिकल 5 के तहत ये सभी सदस्य देशों पर हमला माना जाएगा। और उन्होंने एक ट्वीट के जरिए दावा किया कि ऐसा होने पर नेटो महज 3 दिन के अंदर रूस को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर देगा। इधर ताजमहल के लिए करीब 2 करोड़ का नोटिस जारी हो गया, हालांकि इसे गलती बताया गया और नोटिस आगरा के नगर निगम ने जारी किया। और आगरा नगर निगम ने प्रॉपर्टी टैक्स और पानी के बिल का बकाया मिलाकर 2 करोड़ का नोटिस भेजा। पुरातत्व विभाग को 15 दिन में बकाया रकम जमा कराने की चेतावनी भी दी गई, जबकि पुरातत्व विभाग का कहना है कि ताजमहल राष्ट्रीय स्मारक है जिस पर प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगता है और पानी का भी व्यावसायिक तौर पर इस्तेमाल नहीं किया गया और नोटिस को उन्होंने नगर निगम की गलती बताया। उधर कांग्रेस सांसद नकुल नाथ ने अपनी यात्रा में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से ज्यादा भीड़ जुटने का दावा किया। मध्य प्रदेश में राहुल की यात्रा खत्म होने के बाद नकुल नाथ ने छिंदवाड़ा में उसी तरह की एक यात्रा की और इसी दौरान उन्होंने ये बयान दिया, जिसके बाद विरोधी कहने लगे कि कांग्रेस के अपने ही लोग राहुल की यात्रा को फ्लॉप बताने में जुटे हुए हैं, क्योंकि छिंदवाड़ा से कांग्रेस सांसद नकुल नाथ ने बयान ही ऐसा दिया। उन्होंने न केवल राहुल की भारत जोड़ो यात्रा की कॉपी करके वैसी ही यात्रा निकालने की कोशिश की, बल्कि छिंदवाड़ा के परासिया विधानसभा क्षेत्र में दोनों यात्राओं की तुलना की और अपनी यात्रा में राहुल की यात्रा से ज्यादा भीड़ जुटने का दावा कर डाला कि परासिया विधानसभा में ओरिजिनल भारत जोड़ो से भी ज्यादा भीड़ है। कहेंगे कि उन्होंने घोटाला नहीं किया। एक मैं आपको याद करवा दूं, अरविंद केजरीवाल जी बार बार ईमानदारी का सर्टिफिकेट सत्येंद्र जैन जी को देते थे जो 7 महीने से जेल में है, तो इनके सर्टिफिकेट ऐसे ही मिलते हैं। अपराध करने वाले को जिन्होंने घोटाले किए हों उनको सदा ईमानदारी का सर्टिफिकेट दिया और वो जेल में है। आगे आगे